जो मिलाद शरीफ की महफिल मुनाकिद होती है, हम देखते हैं कि उसमें अज्जा क्या है महफिल के, और दुनिया में और भी दीनी हवाले से जलसे मुनाकिद होते हैं, जैसे सीरत कॉन्फ्रेंस, यौम सिद्दीक, यौम फारूक, यौम उस्मान, यौम हैदर या यौम अली, इस तरह बहुत से उनवानात के साथ जलसे मुनाकिद होते हैं। अगर ये सवाल करने वाले अपने सवाल करने में मुखलिस होते, यकीनन ये तमाम जलसों के जो उनवानात हैं उनके मुतल्लिक सवाल करते कि इस उनवान से किसी साहबी ने जलसा किया, बाकी उनवानात पे सवाल नहीं होता। इसका मतलब है कि इन लोगों के अंदर खलूस नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ जिदबाजी और हठधर्मी पे है। अब देखते हैं जो जलसा होता है मिलाद शरीफ का, उसके अज्जा क्या हैं, उसमें होता क्या है। कोई भी ऐसा जलसा पहले याद रख लें, जो सीरत कॉन्फ्रेंस हो, मिलाद का जलसा हो, जलूस हो, कोई भी प्रोग्राम हो, उसके अंदर अगर कोई खिलाफ शरा काम होता है तो आप नाम कोई भी रख दें, तौहीद कॉन्फ्रेंस ही रख दें, तो वो नाजायज़ होगा। अब हम जो सही जलसा है उसकी तरफ आते हैं, उसके अज्जा क्या हैं। उसमें अल्लाह के पाक कलाम की तिलावत होती है, यकीनन अल्लाह की हम्द सना और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात होती है, जी बिल्कुल, बयान होता है, खिताब होता है, तकरीर होती है, उसके बाद दुआ होती है, और किसी किसी जगह को खाना भी तकसीम हो जाता है। अब इनमें से बताइए कौन सा ऐसा काम है जो सहाबा कराम के दौर में नहीं होता था, कौन सा ऐसा काम है। इनमें से कोई भी काम नया नहीं है, तिलावत, हम्द सना, नात, बयान, दुआ, मुसलमानों को खाना खिलाना। तो अगर इस पूरे मजमूए का नाम महफिल मिलाद रख दिया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी की खुशी में ये महफिल मुनाकिद कर दी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नुज़ूल कुरान की खुशी में ये महफिल कर दी, तो इसमें कौन सी बिदत है और यह कौन सा नया काम है। नारे तकबीर पूरी दुनिया लगाती है, जो भी कलमा पढ़ने वाले हैं अपने आप को मुसलमान कहते हैं सारे लगाते हैं। कभी किसी ने सवाल किया क्या इस अंदाज का नारा सहाबा ने लगाया था। अल्लाहु अकबर कहना तो साबित है, लेकिन एक बंदा कहे नारे तकबीर और बाकी जवाब में कहें अल्लाहु अकबर, एक बंदा कहे ताजदार खत्म नबूवत और बाकी जवाब में कहें जिंदाबाद, तो अरबी में अल्फाज ढूंढ लें। एक आपको एक भी वाकया सही, हसन, कुजा, ज़ईफ हदीस के अंदर, हत्ता के जो पुरानी किताबों में मन घड़त और मौजू रवायात हैं उनके अंदर भी आपको ये कोई एक वाकया किसी भी साबी का नहीं मिलेगा। तो क्या ये काम बिदत है, ये नया काम है, और इसके करने वाले सारे फिर जहन्नम में जाएंगे। कुरान मजीद की तिलावत पूरी दुनिया में होती है, तमाम कलमा गो तिलावत करते हैं, और तिलावत के आखिर में कारी साहब क्या पढ़ते हैं, सदकल्लाहुल अज़ीम, चाहे वो स्टेज मिलाद मनाने वालों का हो या जो मुनकरीन मिलाद हैं या मोतरजीन हैं उनका स्टेज हो, देख लें सदकल्लाहुल अज़ीम आखिर में पढ़ते हैं कारी। पूरे कुरान की कोई आयत दिखा दे, कोई बंदा मजमूए अहादीस में से कोई सही, हसन या ज़ईफ, हत्ता के मौजू रवायत, वैसे मौजू दलील नहीं होती, ये वैसे मैं उनको समझाने के लिए बात कर रहा हूँ, मौजू से मुराद जो पुरानी किताबों में मौजू है, अभी को घड़ के ना पेश कर दे, कोई भी रवायत ऐसी नहीं मिलेगी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने कभी भी तिलावत के बाद सदकल्लाहुल अज़ीम कहा हो, किसी साहबी ने पूरी ज़िंदगी में एक बार भी कहा हो। हाँ, हदीसों में ये ज़रूर मिलता है कि बसा औक़ात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम आयत पढ़ने से पहले सदकल्लाहु पढ़ते थे, आयत के बाद सदकल्लाहुल अज़ीम कोई नहीं है, तो इस पर क्यों नहीं सवाल होता। तो ये सिर्फ और सिर्फ ज़िद और हठधर्मी है। जो बंदा सवाल करे उसको पूछें कि ये जो मिलाद शरीफ के प्रोग्राम में या सीरत कॉन्फ्रेंस है या तौहीद कॉन्फ्रेंस है, इसके अज्जा क्या है। अगर अज्जा में से कोई जुज़ गलत है तो वो नजायज़ है, अगर अज्जा सारे ठीक हैं तो फिर सही है। बाकी रहा दिल से खुश होना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी पर, आप पर नज़ूल कुरान पर दिल से खुश होना, ये फ़र्ज़ है। उस खुशी का इजहार कोई हुजूर का जिक्र करके करे, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद व सलाम पढ़े, अकेला बैठ के पढ़े, मजमे में पढ़े, कोई मुसलमानों में कोई खाना तकसीम कर दे, किसी गरीब की मदद कर दे, इस खुशी में एक हुजूर तशरीफ़ लाए, ये सारे काम बिल्कुल दुरुस्त हैं।